यहाँ पे आपने जब किसी भी चीज जगह पे जाने के लिए निकलना हो तो अर्ली मॉर्निंग निकलें, क्योंकि ये खरीफ सीज़न है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि जो नॉर्मली 10-15 मिनट का रास्ता होता है उसको 30-40 मिनट्स लग जाते हैं। सेकंड चीज़ ये कि वादी दरबत में साइडों पे लाइट्स नहीं है, पूरा जंगल है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है शाम के टाइम। तो 5 o'clock तक जो है पुलिस हॉर्न बजाना शुरू कर देती है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके लोग हैं मूव करें। तो बेहतर ये है कि जल्दी आए, एंजॉय करें, खाना पीना चाहे साथ में आए। यहाँ पे भी काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो आपको सूट करता है उस तरह आप कर लें, बट ये है कि जल्दी निकलें ताकि नेचर को अच्छे से इंजॉय करें। बोटिंग भी यहाँ पर है, बोटिंग 5 रियाल में है, जस्ट 7 members, सो वो आप पे है कि आपने करनी है कि नहीं करनी। शूज़ पहन के आएँ, मैक्सी और स्कर्ट बिल्कुल ना पहन के आएँ, यहाँ पे हो सके तो जीन्स पहन के आएँ, क्योंकि ऊपर नीचे भागना चढ़ना है तो मैक्सी और स्कर्ट वगैरह में, लॉन्ग स्कर्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, तो बेटर यही है कि जीन्स पहने या टाइट्स पहने, और शूज़ मस्ट है, वो लाजिम पहन के आएँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, सारी ग्रीनरी है, लेकिन आप यहाँ पर जब भी आएँ फुल ड्रेस बच्चों को भी पहनाएं, प्लीज़ उनकी हाफ ना हो, कवर शूज़ हो फुल वाले, ताकि यह मस्किटोज़ ना बाइट करें। बहुत ज़्यादा मस्किटोज़ हैं यहाँ पे, और बेहतर है कि मस्किटो से बचने के लिए कोई स्प्रे या लोशन ज़रूर लेके आएँ।
अदरवाइज़ ये मस्कीटोज़ इतने बारीक होते हैं, जब काटते हैं कितने कितने दिन ख़ारिश ख़त्म नहीं होती। हमने पहले भी जब हमें लास्ट टाइम ये काटे थे, जब हम कुछ नहीं साथ लेके आए थे, तो हमें मस्कत में वापस जाके इंजेक्शन लगवाना पड़े थे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।